अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं उम्मीद करना तुसे ठीक ठाक हो दे। ते रमजान अल मुबारक दे दो अशरिया ने रोजे तुहाडे बहुत ही अच्छे गुजर गए ने। ते पहला अशरा रमजान अल मुबारक दा रहमत दा सी, दूसरा अशरा मगफरत दा सी, ते हुण तीसरा अशरा निजात दा शुरू हो गया। ते तीसरे अशरे दी दुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवा तुहिब्बुल अफवा फअफु अन्ना। ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस हमें माफ़ फरमा दे, आमीन। अल्लाह ताला ने तीसरे अशरा निजात दे विच बेपनाह बरकत रखियां ने। अगर कोई इबादत दे दौरान, रोजे दे दौरान, तरावियां दे दौरान कोई गलती कोताही हुई होवे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंदे ने। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तो रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हें आखिरी 10 दिन के रोज़े रखे और इतकाफ़ किया, अल्लाह ताला उहदे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर देंदे ने। अगले पिछले गुनाह माफ़ करके वह बंदा इस तरह ही हो जाता है जिस तरह वह अज ही पैदा होया हो। हज़रत अली मौला अली मुश्किल शाह शेरे खुदा को रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहड़ा आखिरी 10 दिन रोज़ा रखेगा, आखिरी अशरे विच निजात दे अशरे विच रोज़े रखेगा, इतकाफ करेगा, अल्लाह ताला उन्हूं दो अज और दो उमरे दे बराबर सवाब दे देंगे। हज़रत इमाम मालिक से रवायत है कि उन्होंने आलमे दीन को सुनिया कि नबी पाक नूं पहलियां उमतां दियां उमरां दे बारे दस्या गया, जिन्हां दी उमरां बहुत ज़्यादा हन, 500 साल, 600 साल, 700 साल, 800 साल। उन्हां दियां पहलियां उमतां दियां उमरां वेख के नबी पाक सोचण लग पे कि साडी उमर दी, मेरी उमर दी ते उमर ही बहुत, उमरां ही बहुत घट ने, वो इन्नी लम्मियां इबादतां किस तरह करांदे, वो सारे अमल किस तरह कर सकन दे, जिदा अजर सवाब बहुत ज़्यादा होवेगा। ये अली सोच ही रहे हैं तो अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया कि नबी, असी तुहानू शबे कदर अता कीती है। शबे कदर का मतलब है कदर वाली रात। ये रात रमज़ान अल मुबारक दे आखिरी अशरे ताक रातों के शबे कदर है। आखिरी अशरा निजात दे शबे कदर अल्लाह ताला ने अता कीती है, जिहड़ी फजीलत 1000 रातों तो भी ज़्यादा अजर सवाब है। जिहड़ा एक रात में इबादत करेगा वह 1000 रातों तो भी उहदी इबादत जिहड़ी है वध होवेगी। शबे कदर अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक दे आखिरी अशरा निजात दे विच अता कीती है। आखिरी अशरे दियां ताक रातों में 21वीं रमज़ान, 23वीं रमज़ान, 25वीं रमज़ान, 27वीं रमज़ान, 29वीं रमज़ान और रमज़ान के आखिरी रात में अल्लाह ताला ने यह शबे कदर अता कीती है। शबे कदर में एक रात की इबादत 1000 रातों की इबादतों नालों अफसल है। इस रात में इबादत करने नाल अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला दी पाक जात सारे अगले पिछले बंदियां दे गुनाह माफ़ कर देंदे ने। हज़रत आशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा तो रवायत है, नबी पाक रमज़ान उल मुबारक दे आखिरी 10 दिन आखिरी अशरे दे विच रात नूं अपने बिस्तर ते लेटते नहीं सन, सारी रात नफल पढ़ते रहिंदे हन, तरावियां पढ़ते रहिंदे हन और इबादत करते रहिंदे हन, कुरान पाक पढ़ते रहिंदे हन और सारी रात अपने बिस्तर ते लेटते नहीं सन, सारी रात इबादत विच गुजर जाती सी। किसमी रमज़ान नू हज़रत अली मौला अली मुश्किल शाह शेरे खुदा बाबे इलम फातेह खैबर मौला अली मुश्किल शाह की शहादत हुई, सानू उन्हां वास्ते साले सवाब करना चाहिए और उन्हां दे तफैल अपने गुनाहां दी तौबा करनी चाहिए। रमज़ान उल मुबारक विच ही सानू जालम हिंदुआं तों, जालम अंग्रेज़ां तों अल्लाह ताला ने निजात दिती और अजीम उल शान मुल्क, अजीम उल शान मुल्क पाकिस्तान सानू दिता। सानू लख लख अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सानू अल्लाह ताला ने माह रमज़ान के 27 तारीख नू दुनिया के नक्शे से एक आज़ाद मुल्क साढ़े वास्ते बना दिता। ऐसे अशरे विच ही सदका खैरात फितराना दे देना चाहिए क्योंकि जिहड़ा कोई हकदार रहे उन्हूं हक देना चाहिए वे। असी खुद तो ईद वाले दिन कई किस्म के खाने पका के असी अपनी डाइनिंग टेबलों से सजाने, दस्तरखाना सजाने, सानू ये एहसास नहीं कि साडा कोई मसाया गरीब है
ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਤਰਾਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ੇਬਤਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਧ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਸਕਣ ਔਰ ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਔਰ ਹਕੂਕੁੱਲ ਇਹ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰ ਦਾ ਸਮਝੀਏ ਆਪਣੇ ਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਔਰ ਹਕੂਕੁੱਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਸ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅਤੇ ਮਗਫਰਤ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਧੰਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਸ਼ਰਾ ਨਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਹਦਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਰਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੋ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਭਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਰਾਖਾ